मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि नदी जोड़ो अभियान में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश अपने सीमावर्ती राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम केन बेतवा नदी को जोड़ने जा रहे हैं। इसके जरिए हम करीब 10 जिलों की बड़ी आबादी को न सिर्फ सिंचाई बल्कि पेयजल की सुविधा भी मुहैया करा पाएंगे। आज मैंने जल संसाधन मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने इसके लिए तत्काल प्रभाव से 1150 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ बुंदेलखंड अंचल के जिलों को होगा। छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दातिया और रायसेन जिलों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इस परियोजना के पूरा होने से सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे क्षेत्र में पलायन की समस्या पर भी रोक लग सकेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम सरकार के गठन के बाद एक के बाद एक इसी तरह की योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं, जिससे देश के साथ मध्यप्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर चल सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सर्वाधिक महत्व के एक बड़े अहम प्रोजेक्ट नदी जोड़ो अभियान में मध्यप्रदेश अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। राज्य मध्यप्रदेश में नदी जोड़ो कर रहा है और इस नदी जोड़ो अभियान में राज्य के पास के समीपवर्ती राज्यों के साथ मिलकर के बड़ा काम कर रहा है और ये देश में तो क्या दुनिया में पहली बार हो रहा है। नदी जोड़ो ये एक मानव की बड़ी महत्वाकांक्षा योजना थी, जिसमें 2004-05 के आसपास से उसके पहले विचार आया था, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी भूमिका अदा करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केन बेतवा नदी को जोड़ने जा रही है। इसमें हमारी केन और बेतवा नदी के माध्यम से बुंदेलखंड का एक बड़ा इलाका, लगभग 10 जिले, इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह, ये केन बेतवा के इलाके के लगभग 10 जिले अपने एक बड़ी आबादी को न केवल सिंचाई की बल्कि पेयजल की सुविधा भी दे पाएंगे। और ये वो इलाके हैं जो अपने वीरता और अपनी क्षमता योग्यता से कभी भी किसी समय में किसी भी दिल्ली के मुगल, सुल्तान, पठान किसी भी दरमियान अपने आप को कभी उनने गुलाम नहीं होने दिया। हमें इस बात की खुशी है वीरता के बलबूते पे जिनने जिस इलाके ने अपनी सदैव अलग पहचान बनाई, लेकिन काल के प्रवाह में, पानी के अभाव में, गरीबी का या थोड़ी कठिनाई वित्तीय व्यवस्थाओं की दृष्टि से बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन नदी जोड़ो के बाद ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो से लगा करके पूरा बेल्ट एक अलग दौर में पहुंचेगा। मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं जिन्होंने नदी जोड़ो अभियान में बड़ी एक स्वीकृति दी है। दोनों राज्य मिलकर लगभग 1,00,000 करोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अकेले 45,000 करोड़ हमको मिलेंगे और ऐसे 45,000 यूपी को मिलेंगे।